सो गाइस आज की जो वीडियो है ना भाई वो पूरी रहने वाली क्लोज रेंज फाइट्स के ऊपर, और क्लोज रेंज से रिलेटेड कुछ मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ ना टीडीएम के लिए एंड क्लासिक के लिए एंड कस्टम्स के लिए भी, जो कि भाई आपकी क्लोज रेंज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हैं। और ये जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना वो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, तो भाई देखो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आ चुके हैं न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ। तो गाइस देखो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि इस वाली वीडियो को लाइक मत रखना है 20K लाइक्स, तो भाई 20,000 लाइक्स है ना फटाफट इस वीडियो पे हो जाने चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स वाली एंड गेम प्ले वीडियोस के लिए। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो वैसे तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है ना वो होने वाला था फ्री फायर का, क्योंकि फ्री फायर है ना भाई क्लोज रेंज में सबसे ज्यादा डेडली चीज हो जाती है। अब देखो एम वगैरह के बारे में हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि सबको पता है कि यार एम अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि भाई एम ही नहीं होगा तो भाई तुम क्लोज रेंज में विन कैसे ही कर पाओगे। तो छोटी मोटी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, जो भी एडवांस चीजें होती है ना वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो देखो फ्री फायर से पहले एक चीज आ जाती है, वो होता है गाइस एनिमी की जो नेक्स्ट मूव है ना वो प्रिडिक्ट करना। अब सपोज करो भाई तुम्हें एनिमी का पहले से पता है कि यार यहाँ से वो निकलने वाला है और वहीं पर तुम फ्री फायर दोगे तो कितना ज्यादा तुम्हारे लिए भाई वो बेनिफिशियल रहने वाला है। तो यहाँ पे तुम कई क्लिप्स में देखोगे कि मेरा प्री फायर है ना भाई एनिमी को आने से पहले ही वहां पे मैं मारने लग जाता हूँ, जिससे कि जैसे ही वो मेरी प्री फायर में आता है ना भाई यहाँ पे उसके इजीली हेडशॉट जो है कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज तुम्हें कैसे मास्टर करनी है, लाइक तुम्हें कैसे पता करना है कि एनिमी आगे क्या करने वाला है। तो गाइस देखो एक चीज जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ ना वो ये होती है कि अगर भाई एनिमी मुझे थोड़ा सा भी डैमेज दे देता है ना, जैसे इस क्लिप में तुम देखोगे तो यहाँ पे इस बंदे ने मुझे डैमेज दिया, तो मुझे पता था कि यार देखो डैमेज दिया ना तो उसे कॉन्फिडेंस होगा कि यार एक गोली का बचा होगा तो मैं जरूर से उसे मार दूंगा। तो ऐसे टाइम पे है ना भाई बंदा है ना हमेशा तुम पे पुश करने ही वाला है। देखो गाइस एग्जांपल के लिए ये वाली क्लिप भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे डैमेज पड़ा तो भाई देखो बंदा पक्का पुश करने वाला, और यही होता है। देखो तुम यहाँ पे ये बंदा है ना भाई पुश करेगा ही मुझ पे। गाइस देखो 1v1 जब भी तुम ले रहे हो ना तो एक चीज तो ध्यान में रखो कि जैसे ही तुम्हें डैमेज पड़ने वाला है ना तो वहां पे भाई बंदा पक्का रश करने ही वाला है, और टीडीएम वगैरह होगा ना तो डेफिनेटली ऐसा ही होता ही हमेशा। एंड गाइस देखो इसी चीज के ऊपर है ना एक डेडिकेटेड वीडियो भी आने वाला है, जिसमें प्रॉपरली तुम्हें मैं समझा दूंगा कि तुम्हें जो है एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जो उसका नेक्स्ट मूव है ना वो किससे प्रिडिक्ट करना है। तो भाई देखो उसके लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर देना। तो गाइस अब हम मान लेते हैं कि यार ये चीज है ना तुम्हें पता चलने लग चुकी है कि हाँ यार कब मुझ पे जो है एनिमी पुश करने वाला है। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है ना जो कि हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए वो होता है भाई देखो प्री फायर। अब प्री फायर में बस सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है ना, जिसको तुमने अगर मास्टर कर लिया तो तुम्हारी जो प्री फायर है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल हो सकती है, वो होता है तुम्हारा एम। तो गाइस देखो क्रॉस एयर प्लेसमेंट है ना भाई ये बहुत ही ज्यादा एक तगड़ी चीज हो जाती है। अगर तुम्हें पता है कि यार देखो एनिमी का हेड है ना अगर वो निकलने वाला है यहाँ पे तो एनिमी का हेड कहाँ पे रहने वाला है, तो ये चीज अगर तुमने मास्टर कर लिया ना तो भाई डेफिनेटली तुम्हारा प्री फायर है ना बहुत ही ज्यादा पड़ने ही वाले। गाइस यही रीजन है कि यार जब भी मैं कोई 1v1 लेता हूँ ना तो डेफिनेटली भाई मेरा एक ना एक हेड तो वहाँ पे कनेक्ट होता है, ये प्री फायर में तो भाई देखो ज्यादातर हेडशॉट कनेक्ट हो ही जाते हैं। तो गाइस एग्जांपल के लिए तुम ये वाली क्लिप भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो एनिमी वापस गया अंदर और मुझे पता था वापस जरूर से आएगा, और फिर से भाई मेरी जो क्रॉस एयर प्लेसमेंट है वो एकदम ऑन पॉइंट थी, तो जैसे ही बंदा बाहर निकला ना भाई ऑटोमेटिक जो है मेरे हेडशॉट उसके कनेक्ट हो गए। तो गाइस देखो अगर नेक्स्ट चीज की बात करें ना तो ये चीज है ना भाई देखो एकदम कॉमन चीज हो जाती है, लेकिन गाइस देखो अभी तक भी तुम ये चीज फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो भाई तुम्हें आज से ही शुरू कर देना है। बाकी अगर तुम कर रहे हो तो डेफिनेटली भाई तुम्हें इंप्रूवमेंट्स है ना वहाँ पे जरूर से दिख रहे होंगे। तो भाई देखो एम असिस्ट है ना तुम्हें पक्का आज से ही ऑफ कर देना है, एम असिस्ट तुम भूल जाना है कि यार एम असिस्ट होता भी है जैसा कि मैंने किया। तो गाइस देखो एक मजे की बात बताता हूँ, जितनी भी तुमने अभी तक क्लिप्स देखी है ना मेरे हेडशॉट कैसे इजीली कनेक्ट हो रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि भाई क्या खा के खेल रहा है, मतलब हेडशॉट इतने इजीली कनेक्ट कैसे हो रहे हैं। तो भाई देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि सारी जो क्लिप्स है ना वो भाई एम असिस्ट ऑफ पे रिकॉर्ड करी है मैंने, और ये चीज अगर तुम्हें बिलीव नहीं होती ना भाई तो तुम मेरे लोको स्ट्रीम्स पे आ सकते हो, लिंक में डाल दूंगा नीचे, तो लोको ऐप डाउनलोड करना, और वहां पे जो है मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूं और कस्टम्स भी खेलता हूं, तो वहां पे भी तुम्हें पता चल जाएगी ये चीज। तो यहां पे देखो करना कुछ नहीं, एम असिस्ट ऑफ तुम्हें कर लेना है, और सही में अगर देखो तुम इंप्रूव करना चाहते हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्लोज रेंज वीक है, तुम्हारा एम अच्छा नहीं है, तो ये चीज भाई तुम्हें ट्राई जरूर से करनी चाहिए। बाकी अगर तुम मजे के लिए खेलते हो, रैंक पुश करते रहते हो, तुम्हें माइनस नहीं खानी है वहां पे, तो भाई देखो तुम ऑन करके खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि फीचर हमें मिला है तो भाई देखो उसका यूज भी हम करने ही वाले हैं वहां पे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यार तुम देखो इंप्रूव करना चाहते हो गेम में, तुम्हें आगे चल के कॉम्पिटिटिव वगैरह खेलना है, या फिर देखो तुम्हें तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स की तरह खेलना है, जॉनी की तरह खेलना है, स्काउट की तरह खेलना है, गॉबलिन की तरह खेलना है, अब देखो मैं भी तुम में से किसी का फेवरेट होऊंगा तो मेरी तरह फिर खेलना है ना भाई, तो देखो एम असिस्ट ऑफ करके ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वहां पे। तो ये सारी चीजें अगर तुम फॉलो करोगे ना भाई डेफिनेटली तुम्हारी क्लोज रेंज है ना टीडीएम हो या फिर क्लासिक हो वहां पे बहुत ही
ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। एंड इसका जो एक सेकंड पार्ट है ना भाई, वो भी जल्दी आने वाला है, तो कमेंट सेक्शन में उसके लिए ज़रूर से स्पैम कर देना अगर तुम्हें सेकंड पार्ट भी इस वीडियो का चाहिए। बाकी यहाँ पे तुम अभी मेरा नूब जो गेम प्ले ना वो एंजॉय करो, एंड मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। Yeah.